आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं लाई की नमकीन। इसे आप 3 महीने तक खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं माला महेश्वरी, गायत्री किचन में आप सभी का स्वागत है। तो एक कढ़ाई में मैंने 3 कप लाई लिया है, इसे मुरमुरा भी कहते हैं, और इसे 5 मिनट तक इस तरीके से धीमी आँच पर सेक लेना ताकि ये मुरमुरा लाई क्रंची हो जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सेक लिया और एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और मैंने ये तेल लिया है, तेल आप अपने अनुसार ले सकते हैं क्योंकि इसे फ्राई करना है मकई के चिवड़े को। ये आपके किराने के दुकान पे आसानी से मिल जाएगा और इसे मीडियम पे ही रखा है मैंने। इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है मकई के चिवड़े को इस तरीके से। अब एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं इस तरीके से। इसकी नमकीन लाई की बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब 1 कप मैंने कच्चा मूंगफली लिया है और इसे भी, तेल तो बहुत ही अच्छे से गर्म था तो ये जल्दी सीख गया है मूंगफली। अब इसे भी एक प्लेट में इस तरीके से निकाल लेते हैं। और सिर्फ मैं इसमें 2 चम्मच कढ़ाई में तेल डाले और सारा तेल मैंने निकाल लिया है। और 8-9 कटी हरी मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा इसे चला लेते हैं। और 2 चम्मच मैंने धनिया इस तरीके से साबुत लेकर थोड़ा सा कूट लिया था, 2 भाग हो गए। और 1/2 कप सूखा नारियल अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल सकते हैं, इससे आपका चिवड़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। 1 कप मैंने डालिया लिया है, ये आपको किराने की दुकान पे मिल जाएंगे, चना ही भुना हुआ है, बस ये 2 भाग हो गए हैं और ये इसके छिलके बिल्कुल निकल गए हैं। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच हींग डाली हूँ और इसे कंटिन्यू इस तरीके से चलाते जाना है। अब ऊपर से 1/2 चम्मच जीरा। ये चिवड़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, आप डब्बा में भर कर 3 महीने तक खा सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और मसाले को थोड़ी देर अच्छे से पकने देते हैं। तो देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब इसमें मैं 15-20 कढ़ी के पत्ते आप ही डालें, इससे आपका चिवड़े बहुत ही अच्छा बनेगा लाई का चिवड़ा। और आपके बच्चे बाहर गए हैं या नाश्ते में या शाम के समय चिवड़ा बना के रख देंगे तो 3 महीने तक खा सकते हैं। और इसमें मैंने नमक स्वाद अनुसार डाला है और 1/2 चम्मच इसमें काला नमक और 1 चम्मच इसमें चाट मसाला। और इसे अच्छे से इस तरीके से मिला लेते हैं। अब इसमें मैं 3 चम्मच पीसी हुई चीनी डाली, जिससे आपकी लाई वाली नमकीन खट्टा मीठा तीखा चटपटा और टेस्टी बने। अब इस मसाले को अच्छे से मिला के अब इसमें लाई ऐड कर रही हूँ जो मैंने हल्का सा भून लिया था इस तरीके से। देखिए इस तरीके से अब इसमें मकई का चिवड़ा और फ्राई किया हुआ मूंगफली इसमें ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और ये ज़रूर चिवड़ा आप बनाएगा, 3 महीने तक खा सकते हैं। कोई प्लास्टिक या ऐसे कांच के जार के डब्बे में भर के आप रख सकते हैं और 3 महीने तक खा सकते हैं। ये चिवड़ा बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने मिला लिया है और इस तरीके से मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ। तो ये लाई वाली चिवड़ा आप सभी जरूर बनाएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।